ओके तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग की इंट्रोडक्शन होगी पहले, उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्लाउड के अंदर कैसे आप कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आज के टाइम पे ज़्यादातर जो कंपनी आईटी कंपनी है वो क्लाउड पे मूव कर रही है, क्योंकि क्लाउड के अंदर बहुत ही अच्छी सर्विसेज क्लाउड हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं अपने किसी एक नेटवर्क के अंदर बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वेब सर्विसेज, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि आपके नेटवर्क के अंदर आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी से अच्छी सर्विस ले सकते हो। क्लाउड बेसिकली क्या है कि क्लाउड के अंदर अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो क्लाउड ये तीन की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट है आस, देन पास, देन सास। आस स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन सास स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्लाउड का मेजर फंक्शन है, ये इसकी फुल फॉर्म्स हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई। लेकिन क्लाउड के मेजर फंक्शन की बात करें, उसका मेन फोकस होता है किसी भी रिसोर्स को सेव करना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा है या कोई एप्लीकेशन है जिसको आप किसी एक जगह पे सेव कर सकते हो। देखिए क्लाउड के मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, मतलब कि क्या है कि अगर एक मशीन फेल हो जाती है तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका डाटा कहीं ना कहीं तो सेव जरूर पड़ा होगा, क्योंकि क्लाउड के अंदर क्या चीज़ है, यही है कि ये इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं, जो आपने चीज सेव की क्लाउड के ऊपर उसके उसको आप अपने क्लाइंट, यूजर, कस्टमर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। देन सिक्योरिटी, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है फ्रॉम अनोनमस यूजर्स, यानी उन यूजर से जिसको मतलब आप इसके ऊपर सिक्योरिटी सेट कर सकते हो। कई तरह की सिक्योरिटी ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है ये, तो आप उनसे बचने के लिए, उससे सिक्योर करने के लिए भी क्लाउड में आपको ऑप्शन प्रोवाइड की जाती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसके ऊपर आप एक अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर क्या है, मान के चलिए कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी को सर्वर रूम बनाना है, तो सर्वर रूम बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर खरीदने पड़ेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है, लाइक उन्हें चार सर्वर बनाने हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, चार मशीन, चार फिजिकल सर्वर खरीदने पड़ेंगे, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप नॉर्मली एक सर्वर की बात करें तो एक अच्छा सर्वर की कॉस्ट की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर चला जाता है। उसके बाद अब आपको चार सर्वर, मान के चलिए चार पांच जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एक एक्टिव डायरेक्टरी, फिर डीएनएस या कोई ऐसी सर्विस लगाओगी, तो मान के चलिए आप बना रहे हो अपना एक कोई भी एक सर्वर लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो एक नेटवर्क बनाना चाहते हो जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डीएचसीपी और एक वेब सर्वर बनाना चाहते हो, तो आपको चार मशीन खरीदनी होगी। उसके बाद फिर आप उसके पावर, यूटिलिटी पावर यानी पावर वगैरह आप प्रोवाइड करवाओगे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस आपको स्विचेस लगानी होंगी, फायरवॉल लगानी होंगी, फिर आपको केबलिंग करनी होगी, उस पर सर्वर रूम बनाना होगा, मतलब मान के चलिए आपको प्रॉपर सेटअप करना होगा। तो एक सर्वर रूम बनाने के लिए आपको एक बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, लेकिन क्लाउड क्या करता है, आप लोगों को सर्विसेज रेंट पे देता है, मतलब आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से किसी चीज को, किसी एक सर्विस को या किसी एक हार्डवेयर को खरीद के रखने की। आप हार्डवेयर छोड़िए, सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर को भी रेंट पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपकी कोई एक कॉल सेंटर की बात कर लेते हैं। कॉल सेंटर क्या करना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने कस्टमर या अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देना चाहते हैं। तो हम लोग वो लोग क्या करते हैं, गाड़ियां खरीदते तो नहीं है, वो क्या करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें भाई 20 गाड़ियां चाहिए पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो उस सीन में क्या होता है कि उन्हें पहले तो हार्डवेयर पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरा उनकी मेंटेनेंस की टेंशन नहीं है, कल को कोई मतलब प्रॉब्लम आती है, लाइक ड्राइवर्स रखने पड़ेंगे उनकी सैलरीज की टेंशन, उसके बाद फॉर अदर लाइक पेट्रोल, फिर सर्विस, फिर कुछ गाड़ी में दिक्कत विक्कत, ऐसी 3600 चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो क्लाउड आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, जैसे आप वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे कि भाई मुझे गाड़ियाँ चाहिए, वो आपको गाड़ियाँ दे देगा, उसके अगेंस्ट आपको रेंट पे करना होगा उन गाड़ियों का, बाकी सारी टेंशन उसकी, लाइक उसको एम्प्लॉय जो उसके ऊपर ड्राइवर वगैरह रखने हैं वो भी वही रखेगा, मेंटेनेंस वगैरह सब। लेकिन आपको एक अमाउंट पे करनी है, एक मतलब मान के चल छोटी सी अमाउंट होती है, जो कि एक उसको खरीदने से बहुत बेटर है। तो वही चीज है, आप लोग जब एक सर्वर रूम बना रहे हो तो ऐसा ही क्लाउड आपको प्रोवाइड कराता है, आपको सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, पावर या अदर जो सर्विसेज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगा रहे हो वो कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड आपको प्रोवाइड करवाता है वर्चुअल सर्वर्स,
वर्चुअल सर्वर के अंदर क्या होता है कि आपके सर्वर जो है, सर्वर कंप्यूटर क्लाउड के अंदर पड़े होते हैं। सर्वर आप क्लाउड में बनाओगे और आप अपनी लोकल मशीन पे उसे बैठ के रिमोटली एक्सेस करोगे। आप उसे सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दोगे, उसके ऊपर आईपी एड्रेस होगा और आप अपने क्लाइंट को एक्सेस करवाओगे, मतलब सॉरी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लाउड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कनेक्टिविटी, यानी इंटरनेट। एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप क्लाउड की सर्विसेज की को यूज़ कर सकते हो। तो क्लाउड ये चीज़ आपकी वीएमवेयर सॉफ्टवेयर, या आप बात करो हाइपर वी, या फिर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इन्हीं चीज़ों की तरह एक्ट करता है। वो आपके लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, लाइक आपको अपने लोकल मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन करनी है, लेकिन ये वेब सर्वर सर्विसेज के थ्रू एक वर्चुअलाइजेशन की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपने मेन सर्वर यानी आप जिसके आपने वेब सर्विसेज ले रखी हैं, उस वेब सर्विसेज प्रोवाइडर के क्लाउड के अंदर आप अपना वर्चुअल सर्वर बना दोगे। आपका सर्वर रूम बेसिकली क्लाउड में पड़ा होगा। ये सारी कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड कराती हैं क्लाउड सर्विसेज, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे गूगल, आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन, एचपी, इंटेल। तो ये सारी ब्रांड है जो कि प्रोवाइड करवाती है हमें वेब सर्विसेज। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वैसे अमेजोन काफ़ी वो ये चल रही है काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर, उसके अलावा अदर भी हैं। तो ये पहली सर्विस थी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या करती है, आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देती है, उसमें मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देती है। फॉर एग्जांपल आपकी डेवलपमेंट टीम है जिसके अंदर अलग अलग मतलब 3-4 इंप्लॉयज हैं जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड कराती है कि आप क्या करो, एक मतलब एक ही एप्लीकेशन को या एक प्लेटफॉर्म को रिमोटली आप एक्सेस करोगे अपने लोकल मशीन पे, 5 मशीन पे, 6 मशीन पे, और सभी कंप्यूटर पे आपको सेम ही रिजल्ट एक टाइम पे दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल लैन गेमिंग, लैन गेमिंग के अंदर क्या होता है कि गेम एक होती है लेकिन उसको खेलने वाले 4-5 अलग अलग कंप्यूटर पे बैठे होते हैं। तो ये चीज सेम है कि प्लेटफॉर्म एक होगा लेकिन उसके अंदर काम करने वाले डेवलपर या डिजाइनर होंगे वो 4 या 5 या उससे भी ज्यादा हो बैठे होंगे, और वो सारे के सारे एक ही टाइम पे सभी को मतलब सेम रिजल्ट नजर आएगा। लाइक मैंने कुछ वहां पे एक डिजाइन बनाया तो वो सारा कुछ सभी को सेम नजर आएगा, तो जिससे डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एज सर्विस के अंदर क्या आता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है Office 365। माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस है Office 365। तो अगर मैं एज अ क्लाउड प्रोवाइडर आपको बात करूं तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करोगे। अगर मैं एज अ क्लाउड क्लाइंट की बात करूं तो आपको ये चीज़ें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये सर्विसेज यूज़ करोगे। लाइक क्लाउड बेस्ड आपने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बेस्ड आपने खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट Office 365। तो 365 एक क्लाउड बेस्ड ऑफिस है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स नहीं मतलब यूजर्स, बेसिकली यूजर्स हैं, वो आपके लोकल कंप्यूटर में ऑफिस इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो क्लाउड से ऑफिस को एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे और बाद में उसे क्लोज कर देंगे, जिसके अगेंस्ट उन्हें रेंट पे करना होगा, जिसका रेंट कोई ज्यादा नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से 3000 से थोड़ा ऊपर, 3500-3800 के आसपास होता है एक यूजर के लिए माइक्रोसॉफ्ट Office 365 का लाइसेंस। लेकिन अगर आप खरीदते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे कि उसमें भी सेम ही सर्विसेज होती हैं जो मैं आपको क्लाउड बेस्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो ऑफिस है वो आपका वेब ब्राउजर में चलेगा। लेकिन जो नॉर्मली अगर हम लोग ऑफिस की बात करें जो आप अभी तक यूज करते आए हो, ऑफिस जैसे 2007, 2008 या अदर जो ऑफिस हैं, ये सारे के सारे ऑफिस आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं, लेकिन इनके लाइसेंस बहुत कॉस्टली हैं। जैसे आप एंटरप्राइज ऑफिस की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट Office 2007 एंटरप्राइज, तो ये ऑफिस की कॉस्ट अराउंड 40,000 के आसपास में भी होगी, तो काफी कॉस्टली होते हैं। लेकिन आपको इसमें आपको एक जेन्युइन सा रेंट पे करना है जिसके अगेंस्ट आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये इंट्रोडक्शन थी अबाउट, बाकी एक और भी सर्विस है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड कराती है सर्विसेज। आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपको स्टोरेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, ये सारे सॉफ्टवेयर एज सर्विस सॉरी स्टोरेज एज सर्विस का पार्ट है। इसमें क्या है कि आप अपनी आईडी बनाइए और आपको एक लिमिटेड स्पेस दी जाती है, आप क्या कर सकते हो उसमें आप अपलोड कर सकते हो, मतलब अपना कुछ भी डाटा, फोटोज, इमेजेस, कुछ भी आप अपलोड कर दीजिए, कल को आप कहीं पे भी जरूरत है आपके, वो जस्ट वो ईमेल आईडी लॉग इन कीजिए, वो सारा कुछ वहां पे पड़ा होगा, जिसकी वजह से आपका डाटा सेफ भी है, आप उसे सिक्योर भी कर सकते हो और आप शेयर भी कर सकते हो। वही सारी सर्विसेज जिसके बारे में अभी आपसे मैं बात कर रहा था, क्लाउड आपको सेफ, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है।
है, तो इसमें आपको लिमिटेड स्पेस मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको पे करना होता है। मे बी 15 GB हर एक में मिली जाती है, ड्रॉपबॉक्स में भी अदर में भी। तो ये इंट्रोडक्शन थी अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।